बोला था मैं देख के कूद कूद के देख रहा है। पुलिस नहीं है, एम्बुलेंस है बहन। एम्बुलेंस को क्या समझ के बैठे? देखो अक्कल जो है पिछले ले ली। हनी फिर वो उसमें तो फिर वैसा वाला आया ना कि मरवाली का बोला देख के कूद नहीं कूद के देख रहा है। कूद के वी आर नॉट डूइंग द एरोबिक काइंड ऑफ डांस 1 2 3 वाला, सो इट्स फाइन विथ अस। वी कैन डेफिनेटली मूव इफ यू पुट म्यूजिक, वी कैन डेफिनेटली मूव। सो या इट्स ओनली व्हेन इट कम्स टू अ दैट काइंड ऑफ डांसिंग व्हिच इज कम्प्लीटली व्हिच यू सी इन अ जिम और वेयरएवर, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। मेरे ख्याल से इफ यू लीव अस एंड वी इफ यू डांस विद आवर हार्ट्स वी विल डांस वेरी वेरी वेल यार। इट्स जस्ट दैट इट वोंट कन्फॉर्म टू योर एंगल्स ऑफ एरोबिक्स। राइट, बट दैट वॉज अ म्यूजिक वीडियो जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो म्यूजिक वीडियो बनाया गया था बिकॉज म्यूजिक चैनल्स को चाहिए होती हैं और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चाहिए होता है। लेकिन जिस फिल्म में जो है जो भी गाने देखेंगे बड़े सिचुएशनल हैं, अपने तरीके से आते हैं और जाते हैं। फिल्म लिप्सिंग नहीं है। हाँ, फिल्म जो है कहानी है और कहानी जो है उसमें ह्यूमर बहुत सारा है, बहुत सारा ह्यूमरस सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी मतलब एक पर्पस के साथ एक कहानी कही गई है जिसमें 7 उचक्के हैं, एक कोतवाल है जो उनकी जान मार रहा है, एक दीवान है जिसकी एक हवेली है, एक फ़कीर है जो उन्हीं गलियों में घूम रहा है। ये है, ये फिल्म है और ये फिल्म होती है उन गलियों के बीच में। तो कहानी इन सब चीज़ों के बारे में है। ये नाच गाना गाने की फिल्म नहीं है। प्रैंकस्टर तो ये सारे थे कोई एक से बढ़कर एक है ये। कोई सीधे मतलब सीधा चेहरा रख करके प्रैंक कर देता है, कोई जो है छुप के करता है, लेकिन जो ये जो नए जो लौंडे हैं ना इसमें, ये बड़े कमीने थे। ये सबसे बड़े कमीने यो जतिन हो, विपुल हो, मनोज भाई, ठीक है भाई, विजय भाई, भाई और सर से बोल के ना जो हमारी लेते रहते थे वो। तो वो सबसे बड़े प्रैंकस्टर वो थे। हम लोग तो तब भी जो है थोड़े से तहजीब में रहते थे, शरीफ हाँ थोड़े से। यार वो जगह इट्स अ वेरी यूनिक प्लेस। मैं वो जो पुरानी दिल्ली है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, मैं पला बड़ा महाराष्ट्र में हूँ, मेरे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था और मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई जगह है हमारे देश में जो मैंने नहीं देखी है। वहाँ के लोग, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का खाना, वहाँ का एक एटमॉस्फेयर जो है ना वो बहुत ही मतलब यूनिक है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को एक बार जाके विजिट करना चाहिए उस जगह को। देखा जी फिल्म जब देख लेंगे लोग तो जरूर जाएंगे। इसमें पूरा वो है, मतलब आपको लगेगा कि आप पहुँच गए वहीं पर। मुझे कई स्तर पर ना वो गलियाँ जो हैं मुझे कई डायमेंशन लगते हैं उनका। एक तो वो डायमेंशन है जो 7 उचक्के में है कि मतलब इस तरह के लोग हैं जिनका बातचीत करने का एक तरीका है जिसको आप सुन करके आप हैरान रह जाएं कि कोई इस तरह से भी जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। दूसरी तरफ मुझे हमेशा जरा सा ना कभी कभी लगता है कि हल्का सा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगता है कि यार यहीं बैठे हुए हैं। मैं एक बुज़ुर्ग को देखता हूँ कि सुबह मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ बैठे हुए थे, दोपहर में खाना खाने के लिए अपने वैन की तरफ जा रहा हूँ तभी देख रहा हूँ कि वही नुक्कड़ में बैठे हुए हैं। मैं खाना खा के आ रहा हूँ तो उधर वो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, खा लिया तब भी बैठे हैं। फिर शाम को जा रहा हूँ पैकअप के बाद, खत्म हो गई तो वो एक्चुअली वेट कर रहा था नहीं मतलब लोग बैठे हैं अब और वहां पर, और आपको ऐसे कई बुजुर्ग वहाँ पे मिल जाएंगे जो चबूतरे पे कॉर्नर पे बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं उन गलियों में। तो ये थोड़ा
मिस्टीरियस भी लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगता है, कलरफुल भी लगता है. सो यू नो इट गिव्स यू टू मेनी डायमेंशंस अबाउट इट. मैं बोला था मैं देख के कूद कूद के देख रहा है. पुलिस नहीं है, एम्बुलेंस है बहन. उसको क्या समझ के बैठे देखो. अक्कल जो है ले ली. नहीं फिर वो उसमें तो फिर वैसा वाला आया ना कि मरवाली बोला देख के कूद. नहीं कूद के देख रहा है. कूद के तो भाई 14 अक्टूबर को एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है सात उचक्के. बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. और कहानी, उसके किरदार, वो जगह जहाँ पर वो फिल्म बनी है, और मनोज भाई, के भाई, अन्नू जी, अनुपम खेर जी, यू नो बहुत सारे लोग हैं जो आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा. धन्यवाद. देखिए 14 अक्टूबर को सात उचक्के रिलीज़ हो रही है. सात उचक्के किस तरह की फिल्म है, लोग कह पूछ रहे हैं कि भाई क्यों देखने जाएं. तो भैया देखो बात साफ है कि ये तो अच्छी फिल्म है ही, गारंटीड अच्छी फिल्म है. ISI मार्क के साथ ये आपको पोस्टर पे दिख रहा होगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है. अब आपको डिसाइड करना है कि पैसे देने के बाद पछताना है या पैसा देने के पहले ये श्योर करना है कि बहुत अच्छी फिल्म है. पैसा देने के पहले श्योर करना है कि बहुत अच्छी कोई फिल्म आप देखने जा रहे हैं तो सात उचक्के जाइए. पैसा देने के बाद पछताना है कि पैसा बर्बाद कर दिया तो कोई और दूसरी फिल्म जाके देख लो. देखो भैया ऐसा है, 14 अक्टूबर को एक फिल्म आ रही है सात उचक्के. आपने पोस्टर देखा होगा, आपने ट्रेलर देखा होगा. वहाँ पे एक एक इंसान नहीं है उसमें जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना हो, है ना. तो ऐसा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ये गारंटी है. तो ये जिम्मेदारी हमने निभाई. अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आप निभाएंगे कृपया करके तो हम बहुत खुश होंगे, नहीं तो क्या है, बनाते रहेंगे. और